अपने मन को एकाग्र करते हुए सभी संकल्प विकल्पों को अपने मन के पटल से हटाते हुए मैं अपना संपूर्ण ध्यान भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करता हूं। एकाग्रता की शक्ति से धीरे धीरे शरीर की चेतना समेटकर एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती है। अब मैं अपनी मन की आंखों से स्पष्ट देख रहा हूं स्वयं को, अपने मूल स्वरूप को। मस्तक के बीच चमकते हुए तेजस्वी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को ज्योति बिंदु से निकल रहा दिव्य प्रकाश मन को गहन शांति और सुख की अनुभूति करा रहा है। अपने इस अति सुंदर दिव्य स्वरूप को निहारते हुए मैं अपने देहभान से मुक्त होते जा रहा हूं। और अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा मन बुद्धि द्वारा इस स्थूल देह से डिटैच होकर एक तीखे रॉकेट के समान उड़ान भरता हूं अपने घर परम धाम की ओर। नीले आकाश को पार करते हुए सूक्ष्म वतन को भी पार कर अब आ पहुंचा हूं निराकारी वतन में। चैतन्य सितारों की दुनिया में यहां शांति धाम में मैं देह और देह की दुनिया के आकर्षणों से मुक्त हूं। गहन शांति का अनुभव कर रहा हूं।
अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा देख रहा हूं। मेरे ठीक ऊपर स्थित परमधाम निवासी ज्ञान सूर्य शिव बाबा को शिव बाबा से निकली हुई पवित्रता की और सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। और मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कार रूपी सूक्ष्म ऑर्गन्स में समा रही है। बाबा के शक्तिशाली किरणों का निरंतर प्रवाह मुझ आत्मा के मन बुद्धि और पुराने विकारी संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहा है। उनका रूप परिवर्तित होते जा रहा है। मन अति शुद्ध होकर शांत होता जा रहा है। मन में उठने वाली संकल्पों की लहरें शीतल होती जा रही है। बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है। पवित्र बनती जा रही है। बाबा की तेजस्वी किरणों की प्रखरता से विकारों के अंश वंश भस्म होकर समाप्त हो गए हैं। मन में अब सुंदर विचार जागृत हो रहे हैं। मन शुद्ध संकल्पों से भर गया है। बुद्धि दिव्यता से भरपूर हो गई है। संस्कार दैवी संस्कारों में परिवर्तित हो गए हैं। मैं आत्मा अब बाप समान बन गया हूं। अब बाबा के जो संस्कार है वह मेरे संस्कार है। जो शक्तियां बाबा में है वह सब मुझ में भी है।
समान सर्वशक्ति संपन्न बन गया हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान बन गया हूं। अनादि बाप के साथ मैं सहज ही अपने अनादि स्वरूप की अनुभूति कर रहा हूं। यह मेरा अनादि सो आदि देवता स्वरूप है। आदि स्वरूप में मैं आत्मा पूर्णतया अपने मन बुद्धि संस्कारों का मालिक था। मैं पुनः अपने उन्हीं संस्कारों का सहज अनुभव कर रहा हूं। मन जीत जगत जीत बन गया हूं। अब मैं आत्मा शुद्ध निर्मल संपूर्ण पवित्र होकर परम धाम से नीचे उतरकर इस धरा पर अवतरित होता हूं। इस स्थूल देह में प्रवेश कर विराजमान हो जाता हूं भ्रुकुटी सिंहासन पर। इस स्मृति के साथ कि मैं कल्प कल्प का मन जीत जगत जीत आत्मा हूं। अब मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों को पूरा कंट्रोल में रखकर पूरा ऑर्डर में रखकर उन पर संपूर्ण राज्य करता हूं। चलते फिरते जब चाहूं जहां चाहूं जितना समय चाहूं मन को एकाग्र कर हलचल से मुक्त रहता हूं। अपनी शक्तियों की लगाम से अपने मन को कंट्रोल कर मन पर विजय प्राप्त करने वाला मैं मनजीत आत्मा हूं। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहूं
वही संकल्प, वही संस्कार इमज कर अपनाता हूं। चलते फिरते एक सेकंड में मन को ऑर्डर कर तीनों लोकों में पहुंच जाता हूं। अपने कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर द्वारा अपने मन बुद्धि संस्कारों का मालिक बन। नंबर वन विजयी बन। भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनता हूं। मन जीत जगत जीत बन जाता हूं। अब मैं मन जीत जगत जीत आत्मा संगम युग में ही जीवन मुक्ति के अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा हूं। देहभान से मुक्त होने का मजा अनुभव कर रहा हूं। मन पर कंट्रोलिंग पावर का मजा अनुभव कर रहा हूं। बेफिक्र बादशाह होने का मजा अनुभव कर रहा हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति का मास्टर दाता बनने का मजा अनुभव कर रहा हूं। Thank you.